आपसे जानना चाहता हूँ, गरीबाज की बाटी गई, जरूरतमंद लोगों को जयंती भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्य है ये, भूखे लोगों को कुछ अन्न मिला और हमें भी अच्छा उसमें, और हमें भी ये काम करने का मौका मिला है। तो जब हम अनाज बांटते हैं किसी जरूरतमंद को, किस तरह का फीलिंग रहता है, खुशी रहती है? एक्साइटमेंट होती है, अगले दिन से ही एक्साइटमेंट होती है कि कल भूखे लोग को खाना मिल देने वाले हैं हम लोग। दिलीप भाई, मैं आपसे और एक सवाल जानना चाहता हूँ कि इस तरह हम ट्रस्ट चला रहे हैं, ट्रस्ट चलाना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों, यारों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, लेकिन जो पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे हमारे पॉलिटिशियन, उनसे किस तरह की कुछ मदद आपको मिलती है? उससे हम लोग एक ही चीज़ का फायदा या एडवांटेज लेते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है और गवर्नमेंट का स्कीम लोगों तक तो कैसे पहुंचा सके ट्रस्ट के माध्यम से, दौरान में किसी के पास कोई व्यक्ति को ट्रस्ट के पास भेजना नहीं पड़े और गवर्नमेंट का स्कीम को कैसे फ़ायदा ले सकता है, वो सिस्टम को उनको बताते हैं कि हम ट्रस्ट के माध्यम से व्यक्ति को ऑफर भेजते हैं। हमने इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जिसके पास ऑरेंज रेशन कार्ड है, वो रेशन ऑरेंज रेशन कार्ड वाले बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरह के वही ऑरेंज कार्ड रेशन कार्ड वाले को जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के देते हैं, ताकि जो बीमारी फ्री में ट्रीटमेंट होती है वो कभी भी उनको तकलीफ हो घर में तो डायरेक्ट वहाँ पे उन लोग एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पे हमारी कोई ज़रूरत ही उसको नहीं पड़े, नहीं पॉलिटिशियन की, नहीं कोई ट्रस्ट की, नहीं मेरे जैसे आदमी की ज़रूरत पड़े। चलो,